हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हो आप सब उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर थ्री मैथमेटिक्स की है बेटा सिक्सथ क्लास की आपकी वर्कशीट है बाईस सितंबर की ओके इसमें हम जानेंगे बेटा टू नो आवर नंबर्स तो संख्याओं के बारे में जानेंगे आज हमको चलिए स्टार्ट करते हैं और बेटा जो आपकी जनरल वर्कशीट है वो मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया तो आप वहाँ से जाके चेक कर लेना ठीक है तो बेटा इसमें क्या बोला है हरप्रीत हैज़ वन मार्बल रहीम हैज़ टू मार्बल्स रेखा हैज़ थ्री मार्बल्स एंड राखी हैज़ फोर मार्बल्स ठीक है तो वन उसके पास है हरप्रीत के दो रहीम के पास हैं तीन रेखा के और चार राखी के पास है ठीक है अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ़ मार्बल्स तो आपको टोटल बताना है इनका कुल cool. तो जैसे बेटा आप ये सोचो किसी के पास कितने पैसे किसी के पास कितने आप चार पांच फ्रेंड और आपसे बोला जाए कि टोटल कितने पैसे हुए तो आप क्या करोगे एक जगह पर उनको रखोगे और उनको क्या करोगे काउंटिंग करना शुरू कर दोगे ठीक है तो आप ऐसे भी काउंटिंग कर सकते हो यहाँ पर जैसे कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो टोटल तो कितने हो गए टेन हो गए ठीक है या फिर आप यहाँ से काउंटिंग कर लो नहीं तो और बेटा क्या करोगे वन में पहले क्या करोगे टू को प्लस करोगे तो कितना हो गया थ्री थ्री में फिर बेटा थ्री को प्लस करोगे तो कितना आ गया सिक्स आ गया फिर सिक्स में बेटा फोर को प्लस करोगे तो कैसे प्लस करोगे बेटा आप ऐसे फोर डंडे खींच सकते हो तो सिक्स के बाद सेवन एट नाइन टेन तो टोटल कितने आ गए टेन आपके आ गए ठीक है तो इस तरीके से आप कर सकते हो उसके बाद बेटा यहाँ पर क्या है कि वट इज़ एडिसन ठीक है अब आपसे पूछा गया कि एडिसन क्या है तो एडिसन क्या है पुटिंग टुगेदर मतलब हर चीज़ को एक साथ रख देना या ऑल टुगेदर सब एक साथ रखना हाउ मैनी इन ऑल या फिर क्या बेटा कि कितना है कुल कितना है वो निकालना या फिर कुल खाली कुल भी बोल सकते हो या फिर सम भी बोल सकते हो एडिशन को और काउंटिंग हेड यानी कि गिनते चले जाना फोर वन टू थ्री फोर इस तरीके से ठीक है तो एडिशन को हम इतने तरीक़ों से डिनोट कर सकते हैं या इसे बता सकते हैं कि क्या होता है ये अब इसके बाद क्या है बेटा लेट्स डू ठीक ए... है तो अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटी तो हमने कर ली अब हम यहाँ पर कुछ सम जो हैं उनको सोल्व करके देखते हैं ठीक है एडिशन वाले तो राइट द कोलम एंड ऐड एड ये और ये दो नंबर दिए गए हैं आपको बोला गया है कि इनको कोलम में लिखना है और आपको ऐड करना है तो कोलम में इस तरीके से लिख लिया हमने अब इनको ऐड कैसे करेंगे बेटा तो ऐड करने के बेटा दो तरीके होते हैं एक तो आप अपनी फिंगर पर काउंट कर सकते हो ठीक है या फिर क्या कर सकते हो आप जो डंडे आपने बनाने सीखे होंगे उसके थ्रू भी आप कर सकते हो ठीक है फिर धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ऐसे भी कर लोगे मुझबानी तो यहाँ पर कितना है बेटा सिक्स है तो सिक्स में अगर जीरो को ऐड करेंगे तो कितना आएगा सिक्स ही आएगा फिर यहाँ पर कितना है बेटा फाइव है तो फाइव तो है अब यहाँ पर फाइव ऐड करने तो आप क्या करोगे फाइव यहाँ पर ऐसे स्टिक्स बना लोगे फ़ाइव बना ली तो फ़ाइव में अब क्या करोगे सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो कितने हुए टेन हुए अब टेन का बेटा ये जीरो तो आपका यहाँ जाएगा और ये वाला जो है कैरी बन के इधर नेक्स्ट वाले नंबर पे चला जाएगा ठीक है तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं इसको मैं ऐसे लिख दूँ यहाँ पर वन लिख दिया और ये जीरो यहाँ पर रह गई उसके बाद बेटा आप काउंटिंग करेंगे नो में देखो वन ऐड करो कितने कितने हो जाएंगे टेन हो गए टेन के बाद यहाँ पर कितने फ़ोर है तो टेन में अब फोर प्लस करने तो फोर स्टिक्स लगा ली तो अब टेन के बाद इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन तो यहाँ पर फोर आ गया फोर्टीन का और जो वन है वो हमारा नेक्स्ट वाले पे कैरी चला गया ठीक है अब उसके बाद बेटा टू और वन कितना हो गया थ्री और इसमें टू और ऐड कर दो कितना हो गया फोर फाइव तो यहाँ पर हमारा फाइव आ गया अब कोई कैरी नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा ठीक है नेक्स्ट क्या है सेवन तो सेवन में बेटा सिक्स ऐड करने तो सिक्स टिक्स आपने यहाँ पर बना ली फिर उसके बाद सेवन के बाद एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन तो आपका यहाँ पर थर्टीन आ गया ठीक है इस तरीके से एडिशन करते हैं धीरे धीरे ऐसे करोगे फिर आपको आदत हो जाएगी ठीक है नहीं तो आप अपने जो हैंड है उन पर भी फिंगर्स पर भी इसको काउंट कर सकते हो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि देयर आर ये नंबर दिया है इतने मैन हैं और इतने वुमेन हैं और इतने चिल्ड्रन हैं एक गांव के अंदर ही ने विलेज फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस विलेज तो उस विलेज में कुल कितनी जनसंख्या रहती है वो बताना है ठीक है तो आप कैसे सॉल्यूशन निकालोगे बेटा इसका फर्स्ट द टोटल नंबर ऑफ़ मैन तो यहाँ पर मैन कितने थे वो हमने लिख लिए इस तरीके से फिर टोटल नंबर ऑफ़ वुमेन कितनी है वो लिख ली उसके बाद टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं वो लिख लिए अब इन कुल निकालना है कुल का मतलब हमेशा क्या होता है जमा करना ठीक है तो यहाँ पर हम इनको ऐड कर देंगे तो कैसे करेंगे बेटा जैसे हमने अभी किया था उसी तरीके से इसको ऐड करते चले जाएंगे सिक्स है सिक्स में टू ऐड करो कितने बनेगा बेटा एट ठीक है एट के अंदर फिर से एट ऐड करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो एट में एट ऐड करोगे तो एट के बाद नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सिक्सटीन का सिक्स यहाँ पर आ गया वन बचा जो कैरी वो हम यहाँ पर लिख लेंगे ठीक है उसके बाद बेटा फिर एट है यहाँ पर फिर सेवन ऐड करना है उसमें एट में पहले ये ऐड कर दो कैरी को कितना हो गई नाइन और नाइन में अब सेवन ऐड करो तो सेवन करो ये आप यहाँ पर स्टिक्स को ड्रॉ कर लोगे तो सेवन हो गई अब यहाँ पर एट और नाइन था ना तो नाइन में टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन तो सिक्सटीन का सिक्स यहाँ आ गया फिर से एक कैरी तो यहाँ पर लगा दी हमने इसी तरीके से सेवन में एक और ऐड करेंगे कितना हो गया एट एट में सिक्स ऐड करनी है आपको ठीक है और कितने फाइव भी ऐड करने तो फाइव फोर ड्रॉ कर लो उसके बाद बेटा ये कितना था एट था एट के बाद नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन तो यहाँ पर नाइनटीन का नाइन आ गया वन जो कैरी बचा वो हम यहाँ पे लिख देंगे फिर थ्री में वन ऐड करो बेटा तो कितना हो गया फोर फोर में फिर थ्री ऐड करो तो कितना हो गया सेवन हो जाएगा आप करके देखोगे तो और सेवन में एक और ऐड करोगे तो एट आ जाएगा तो आप इस तरीके से काउंटिंग कर लेते हो ठीक है तो ये था बेटा आपको प्रॉपर जो क्वेश्चन आते है इस तरीके से और ये थी सिंपल एडिशन अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए फर्स्ट है अरेंज इन दी कॉलम एंड ऐड तो आपको अरेंज करना है कॉलम में जैसे कि फाइव फोर वन दिया है अब कॉलम में ऐड करो सिक्स फाइव फोर ठीक है तो अब इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा फोर में वन ऐड करो फाइव आएगा फाइव में फोर ऐड करोगे तो बेटा कितना आएगा मैं आपको आंसर बता रही हूँ आप करके देखना जैसे मैंने आपको बताया है तो फाइव में फोर ऐड करोगे तो कितना आएगा फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो नाइन आ गया फिर सिक्स में फाइव ऐड करोगे तो बेटा इलेवन आएगा आप करके देखना तो ये आपका आंसर आ जाएगा ओके इसी तरीके से बेटा आप नेक्स्ट करोगे फाइव फोर एट सेवन में एट फाइव फोर वन को ऐड करोगे तो क्या आएगा सेवन में वन ऐड किया तो एट आ गया फिर एट में बेटा फोर ऐड करेंगे तो कितना आएगा बारह आएगा एक कैरी इधर आ जाएगा ठीक है आप धीरे धीरे करोगे तो आप भी ऐसे कर पाओगे जैसे मैं कर रही लूँ ठीक है फिर फाइव है फोर में फाइव ऐड करेंगे तो बेटा नाइन आएगा नाइन में वन ऐड कर, करेंगे तो कितना आ जाएगा टेन फिर एक कैरी आ गया तो फिर यहाँ एट और फाइव को ऐड करेंगे बेटा तो थर्टीन आएगा और थर्टीन में वन ऐड करेंगे तो फोर्टीन तो ये आपका आंसर आ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से हम करते हैं लेकिन देखो यहाँ पर पाँच और चार नौ थे और एक दस आ गया ठीक है तो ये आपका आंसर है अब सेकेंड बेटा ये वाला है कि इनको नंबर्स को ऐड करना है तो आप इनको कर लोगे सेम टू सेम मैं एक मैं आपके ऊपर छोड़ दूँ चलो आंसर बता देती हूँ कि क्या आएगा आप करके देखना तो वन टू फाइव फोर फाइव फोर फाइव एट वन फाइव तो फाइव फाइव कितने होते हैं टेन वन कैरी हो गया वन और वन टू टू तो और फोर कितने हो गए सिक्स हो गए ठीक है फिर आठ और पाँच कितने होते हैं तेरह तो एक कैरी पाँच छः सात और एक आठ फिर चार और एक पाँच तो आपका ये आपका नंबर आ जाएगा ठीक है इस तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बेटा आपको यहाँ पर कि यहाँ पर दिया है आपको नंबर वन मिनट ए मैन प्लग्ड फोर थर्टी फाइव मैंगोज फ्रॉम वन ट्री तो एक मैन ने चार सौ पैंतीस जो मैंगो है बेटा उनको तोड़ा ठीक है फिर फोर फिफ्टी मैंगोज फ्रॉम द सेकेंड ट्री और दूसरे ट्री से फोर फिफ्टी मैंगोज को तोड़ा और टू नाइनटी फाइव मैंगोज को तोड़ा थर्ड तीसरे ट्री से ठीक है एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज प्लग फ्रॉम दी ट्री तो टोटल कितने मैंगोज हैं जिनको तोड़ा गया पेड़ से प्लग किया गया वो आपको बताना है तो आप क्या लिखोगे सबसे पहले बेटा कि मैंगोज आप लिखोगे मैंगोज प्लक्ड ठीक है फ्रोम फर्स्ट ट्री एफ आई आर एस टी ट्री ठीक है तो कितना हो गया बेटा फोर थर्टी फाइव फिर इसी तरीके से लिखना है मैंगोज़ प्लग्ड फ्रॉम सेकंड लिख देना है बट बस सेकंड ट्री कितना है बेटा फोर फिफ्टी है फिर मैंगोज़ प्लग्ड फ्रॉम थर्ड ट्री ठीक है आप प्रॉपर लाइन लिखोगे तो कितनी है बेटा वो टू नाइन्टी फाइव ठीक है तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे टोटल मैंगोज़ प्लग्ड मैंगोज़ की स्पेलिंग देख लेना आपको ना समझ आए तो प्लग्ड पी एल यू सी के ई डी प्लगड अब यहाँ पर क्या करोगे टोटल मैंगोज़ प्लग्ड कितने हो गए इनको ऐड कर दो फाइव और फाइव कितने हो गए टेन क्योंकि ये जीरो था तो वन कैरी बचा यहाँ लिख लिया थ्री और वन फोर फोर में फ़ाइव ऐड करो बेटा कितने हो जाएंगे नाइन और नाइन में नाइन ऐड करोगे तो एटीन आएगा फिर वन आ गया यहाँ पर फोर और एक वन फाइव फाइव और फोर कितना हो गया नाइन नाइन और टू कितना हो गया इलेवन तो ये आपका आंसर आ जाएगा इलेवन एटी जो है आपने मैंगोज़ प्लग किए हैं टोटल ओके तो इस तरीके से आपको बेटा ये करना है उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा अगर ऐसा आगे से क्वेश्चन आएगा तो मैं बेटा आपको प्रॉपर लिख के दिखाया करूंगी ठीक है तो इस बार तो ऐसे ही आप समझ लो ठीक है तो इस वीडियो में बेटा इतने अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तब तक पहले ऐसे हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए थैंक यू